तो गाइस हमारे ये न्यू ब्लॉग में, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप जरूर से जरूर हमें सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम जल्द से जल्द गुजरात का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने वाले हैं। तो मुझे यूट्यूबर बनने के लिए आप सभी का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, तो आप लोग हमें जरूर सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अभी हम भी एक रास्ता, एक लक्ष्य नक्की कर लिया है हमने कि हम जरूर बड़ा यूट्यूबर बनेंगे और जरूर बनेंगे। इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जितने भी हमारे गुजराती भाई लोग हैं, जितने भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं, उन सभी को कहता हूँ कि हमारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब। और जो गुजरात से है वो ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हम ब्लॉगिंग कहाँ करने वाले हैं। तो देखो इधर हम ब्लॉग बनाते हैं, इधर अभी रुको सामने से दिखाता हूँ आपको, सही से आपको दिखे। तो मुझे पता है मुझे बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए आप सभी को मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और जरूर करेंगे। तो ये वीडियो हमने बना ली है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब बड़ा यूट्यूबर बनूँ। ऐसे तो सब मिलता नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो ही हमें हमारा लक्ष्य हासिल होता है, यानी कि सफलता मिलती है। तो हम मेहनत तो करते ही हो, सब आप देखते ही हो। तो देखो भाई ये हम इधर जमीन है, इधर हम ब्लॉगिंग का काम करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप सबने देखे ही होंगे। ये देखो इधर सब हमने कुछ है ना, कुछ वृक्ष वाए हैं। आपको सामने से चारों जगह पे वृक्ष दिख रहे हैं आपको, देखो। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मैं जल्द से जल्द बड़ा यूट्यूबर बनूंगा ही, मुझे पता। ये वीडियो मैंने बना ली है और सपोर्ट भी कर रहे हैं सब लोग। अभी तो मेरे पास इतना महंगा कैमरा मेरा नहीं है, मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो HD में नहीं आता, फिर भी हमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमें लोग सब सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए भाई। तो ये वीडियो देने वाली है 30 मिनट की भाई, तो वीडियो जरूर पूरा देख। अभी सामने से दिखाऊंगा तो वीडियो बंद हो जाएगा, इसके लिए सामने से दिखाता हूँ 5-10 मिनट के बाद। अभी मैं इधर बैठा हूँ, इधर ये सब दिख रहा है, इधर हम लोग इनका काम करते हैं। देख अभी हमारे पास स्टैंड था वो टूट गया, अभी उन्हें तो मैं स्टैंड से ही वीडियो बनाता था, वो सभी आपने देखा ही होगा। ये देखो इधर चल गया, अरे इधर तो कितनी जगह है, क्या वीडियो बनाओ क्या वीडियो नहीं, वो तो मुझे भी पता नहीं था। इधर भी ये जहाँ भी देखो वहाँ भी जगह ही जगह दिख रही है। इधर हम कुछ खेती काम नहीं करते, ये सही है। इधर थोड़ा सा
वो कहाँ से आता है वो थोड़ा सा और हो गया है फिर से देख हमने सब साफ किया था तो भी दूसरी बार आ गया तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी भाई यूट्यूबर बनना जाता है वो तो बहुत मेहनत करता है, मुझे पता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे इतना वक्त लगता है। तो जो भी बड़ा यूट्यूबर है स्टडी लेने कर उन्होंने 10 साल की मेहनत की, जितनी 10 साल की मेहनत की तभी वो सफल हो पाए। तो हमें एक रात में सफलता मिलती है भाई, मेहनत तो करनी पड़ती। आप एक ही लक्ष्य तय करो उसके पीछे ही रहो, अब 2-3 लक्ष्य और करोगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आपको एक ही लक्ष्य पकड़ना और वो उसके पीछे फुल मेहनत करनी थी। मैं देखो अभी YouTube का लक्ष्य, YouTube पे मुझे बड़ा यूट्यूबर बनना है तो मैं इसमें मेहनत करता हूँ। मुझे बनना ही है, मुझे पता है मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा, मुझे दिल चाहिए इसके लिए। मैंने मिस्टर इंडियन ने एक वीडियो बनाया, मिस्टर इंडियन ने एक वीडियो में ऐसा कहा था कि हमें मेहनत करे बिना हमें सफलता मिलने वाली नहीं, तभी सी लेके आज मैं मेहनत करता हूँ। और आज मैंने एक वीडियो बना दी है मेहनत के ऊपर, मेहनत के ऊपर नहीं यूट्यूबर बनने के लिए इसके लिए। इधर सांप बहुत आते हैं इधर देखो, इधर इसमें लेते हैं, पहले मुझे भी डर लगता है जब मैं ब्लॉगिंग काम करना चाहूँ तो अभी ब्लॉग बनाना पड़ता है, क्या मजबूरी है। हमें 2 मिनट रुको तो। नींबू का डाल सब में ब्लॉग बनाता हूँ तो सब मुझे लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है भाई। हाँ तुम्हें मेरे वीडियो देखते हो, ये सब देखते हो तभी मुझे जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की तभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आज मुझे सभी लोग सपोर्ट क्यों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं इसके लिए हमें सब सपोर्ट करते हैं। ये मुझे सब लोग ड्रोन चीज भी बनाते हैं, इसे उठता है ऊपर, वो पता है वो भी मुझे लेना, वो भी यूट्यूबर के पास, और मैं भी लूँगा और मैं खुद के दम पर लूँगा। मेरा सपना मैं खुद के दम पर लूँगा और मेरे सबका भाइयों का सपना भी पूरा करूँगा। ये वीडियो बनाते बनाते मेरा ये हाथ भी दुखता है, क्यों क्या करने का, हमें कुछ करने का नहीं, मेहनत से जानी है तो मेहनत का फोकस को फुल करता हूँ। जैसे दूर कर दिखा रहा हूँ अभी तो अभी थोड़ा सा हम इंडियन हैकर के बारे में बात करते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे वो बचपन में उन्होंने एक
लक्ष्य कर लिया था। उन्होंने कहा यू नहीं था कि मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा और उसमें मेहनत करता हूँ और आज मैं बन गया हूँ उसमें यूट्यूबर। फिर हम दूसरा का नाम रहते हैं रुपये 07 राइटर, वो भी बिग बॉस में उन्होंने एंट्री कर चुकी है। मुझे लगता है ये ट्रॉफी 2023 थी, मुझे लगता है कि यूके 07 राइडर ही जीते। वो तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि यूके 07 विनर हो चुके हैं, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इधर सब देख देख के बोर हो गए क्योंकि तो अभी तुम तो बाहर से दिखाता हूँ। हम कहाँ में रहते हैं और हमारे किसान किधर है वो सब दिखा रहे हैं। ये हमारा ये देखो ये सब खड़ा है आंगन में, ये कालू के तभी देखो इधर हम जैसे ये सब बच्चे लोग खेलने आते हैं। जब हम ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो बच्चे लोग हमें परेशान करते हैं, इसके लिए किसी को एंट्री हमें रखते ही नहीं इसके अंदर। ये देखो ये लंगूर कुछ आ गए इधर, ये देखो वो देखो, अभी हम बाहर जाते हैं तभी कुछ आ जाता है कुछ लोग हमें, वो तो परेशान नहीं करते इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और दो चार लोग आते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, इसके लिए उनको अंदर आने की परमिशन ही नहीं देते हैं। तो अभी हमें व्लॉग बनाते बनाते नीचे आता है कि मैडम दिखाने वाले हैं, अभी हम बाहर जाते हैं। अभी हमारा मोबाइल का थोड़ा सा सीन अच्छा नहीं है, ये देखो हमने थोड़ा सा अच्छा मोबाइल ले लिया है, पहले तो हमारे पास इतना भी मोबाइल नहीं था। थोड़ा चलने थोड़ी सी हम जॉब करते थे उसमें से हमारे थोड़े से पैसे आए, हमने एक अच्छा सा मोबाइल लिया पे अपने पैसे से, हम खुद अपने पैसे का शौक पूरा करने का रखते। देखो मुझे ये दर्द होने लगता है यार, मैं एक दारा वीडियो पर बता ना लोन जो इधर आता हूँ तो वीडियो ये देखो कलरफुल यानी कि फिल्टर जैसे जैसे ये देखो इधर आता हूँ तो एकदम मस्त लग जाता है। इधर रोड है इसके लिए बाहर इधर चालू ही रहता है, ये देखो इधर इधर आवाज की तो प्रॉब्लम जरूर है इंडिया में, ये प्रॉब्लम तो रहती है भाई। दोपहर को हम वीडियो बनाते हैं तो इधर धूप आती है इसके लिए वीडियो अच्छा नहीं आता, इसके लिए हम शाम का टाइम पसंद करते हैं भाई। कभी यूट्यूबर हो शाम का ही टाइम पसंद करते हैं या तो सुबह का, क्योंकि सुबह को बहुत इतना बड़ा ताप होता नहीं, इसके लिए लोग सभी सुबह करते हैं क्योंकि टेस्ट मूड होता है वो। तो मेरी बात करता हूँ तो मैं रहता हूँ गुजरात, गुजरात में रहता हूँ अहमदाबाद थे उधर संधू का एक गांव है अहमदाबाद जिले में, गुजरात
रहा हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक चलता है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ। तो गुजरात राज्य भी अहमदाबाद है, अहमदाबाद जिला में चंदुका, हमारा चंदुका गांव है, उस गांव में हम रहते हैं। आपने तो देखा ही नहीं होगा, गुजरात तो देखा होगा लेकिन हमारे गांव में नहीं है। गुजरात की शहर के थे आपके वहाँ पे, शहर के थे हमारे में, गांव के थे, गामड़ा के थे, सब के थे। तो अहमदाबाद इधर से, अहमदाबाद इधर से दूर होता है चंदुका से, यानी कि 100 किलोमीटर होता है। इधर से चंदुका से ट्रेन जाती है, कलर में होते पहुँचा देते हैं अहमदाबाद, इसीलिए हमें कुछ प्रॉब्लम तो होता नहीं है। थोड़ा सा नंबर नीचे रखूँगा तो वीडियो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। देखो अभी हम उस टाइम वहाँ बैठे थे जब मैं बात करता था, तो अभी जैसे दिख रहा है वो भी नीचे, वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पेट्रोल का धुआं का, वो मैंने इधर किया था, इधर ही ये जगह पे किया था। अपने वीडियो देखा होगा तो आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको नहीं बताऊंगा। जो मेरे डेली वीडियो देखता है उनको तो मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। और जो अभी हमारे पहली बार देखते हैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड एक परिवार जैसे लगते हैं। वो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तभी उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, वरना कोई सब्सक्राइब नहीं कर, मुझे पता है। ये देखो इधर आवाज आती है, आपको सुनाई देती होंगी। इधर से सुबह से चालू हो जाता है, शाम को 10 बजे तक इधर से निकलता है सब लोग। हमारी तो इतनी बड़ी बहुत गली नहीं है, इसके लिए बहुत नहीं निकलता, कुछ टाइम ही निकलता है, रोजाना नहीं निकलता था। तो मैं 12th class में पढ़ता हूँ अभी। तो मैं इधर वीडियो बनाता हूँ तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था पवन साहू का कि आप दोपहर में आप सो जाते हो, उधर सोने का नहीं आपके लक्ष्य पे ध्यान देने का, क्योंकि उस पवन साहू ने कहा था कि नींद से हमें तरक्की मिलने वाली नहीं है, इसके लिए आप मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, फिर आप जितना चाहे उतना सो सकते हो। अभी हमें मेहनत पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं 5 बड़े यूट्यूबरों की वीडियो रोजाना देखता हूँ, वो देखकर ही मुझे ब्लॉग बनाने का मन होता है। पहले तो मिस्टर इंडिया ने कहा, उनको तो आप सभी जानते ही है, वो तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, यानी कि इंडिया के 4th नंबर पे आती है उनकी चैनल। तो अभी 2nd नंबर पे आते हैं एल्विस यादव, वो अभी बिग बॉस में ट्रॉफी लेके आए हैं, वो तो आप सभी को पता ही होगा। सिस्टम सॉन्ग सुना ही होगा सभी ने, पूरा सिस्टम लग गया एल्विस यादव भाई। अभी तीसरे नंबर पर आता है सौरभ जोशी, उनकी चैनल 2018 में शुरुआत की थी उन्होंने, 2005 साल की मेहनत लगी थी फल पाने के लिए। उन्होंने 5 वर्ष यानी कि 5 साल
5 साल उनकी मेहनत लगी, तभी वो आज कामयाबी है, कामयाबी के आ चुके हैं, यानी कि वो कामयाब शो हो चुके हैं। तो अभी चौथा था ना, अभी पाँचवें नंबर पे आता है यूके जी से, और मुझे नहीं पता कि कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे, ये तो मैं मेरे हिसाब से बोल देता हूँ। तो अभी वो लोग सब बड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं, मस्टैंग चलती थार पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ट्रक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे ये जीरो ने भी अभी सुपरा लॉन्च कर ली है, उनके पास आ चुकी है, दुबई से ले ली है। तो ये देखिए मोबाइल ऐसे ही रख दिया, तो की जाता है तो हमारा टप्पन टूट जाता है भाई, इसके लिए बहुत रिक्सी काम है। इधर मैंने रख दिया स्टैंड नहीं था, मैं आपको दिखा था वो भी, आपको लगता है मेरे पास स्टैंड है, स्टैंड नहीं, मैं हाथ से ही, यानी कि ये 5 उंगलियाँ दिखे इससे ही वीडियो शूटिंग का काम करता हूँ, यानी कि ब्लॉग मुझे भी। इधर साफ निकल आता है, इधर मैंने देखा था, इधर से ही देखा था, मुझे जब डर लगता है इसे ही समो के उधर डर लगने लगता है कि इधर साफ निकलेगा तो मैं साफ क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये सब होता है भाई। अभी मेरी आवाज़ इतनी भी आती नहीं है, लोग माइक खड़े खड़े थक जाते हैं। कब से ब्लॉग बना रहे भाई, ये पूरा वीडियो जो भी देखेगा उनको पता चलेगा कि हम कैसी मेहनत करते हैं दिखाने। भी 6 सेकंड बाकी है हमारे वीडियो में, तो 6 सेकंड नहीं 6 मिनट, ये जल्दी से खत्म हो जाता ही मैं करके जाके एडिटिंग मारूंगा, सब फिल्टर लगाऊंगा, वो सब करूंगा तभी हमें बोलेगी। बोलेगो वहाँ पे सब फटाके बोले, अभी आपको आवाज आएगी जरूर आएंगी, आप फटाके फटाके के बाद दिवाली दिवाली आ रहा है। अभी आपको फटाखा की आवाज़ जरूर आएंगे मुझे पता है, वो सब यही फटाखा फटते हैं, ये हमारा नहीं होता है। आई फटाखे की आवाज़ आई आई आई, आई। Thank you.
अभी नहीं आया। इतनी मेहनत से हमने मोबाइल लिया है तो उसकी कदर करना जरूरी है। इधर रखा हो तो कैसे हम रुक रही है यार। ये देखा 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 अभी हम थक चुके हैं तो अभी हम वीडियो ब्लॉग खत्म करने वाले हैं। इसे जब 5 मिनट के बाद ब्लॉग का एंड आ जाने वाला है तो एंड तक वीडियो देखना जितने भी रहते हैं। तो देखो ये सब फटाके के बोल रहे हैं देखो जरा आवाज तो दे रहे हैं। ये वीडियो का भी एंड ही आने वाला है 3 मिनट के बाद। थोड़ा सा तो आवाज आपको आने ही वाला है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं, इतना बड़ा लैपटॉप नहीं कि मैं आवाज मेरी इसी पर आवाज आए ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। इधर मोबाइल इतना स्टैंड होता और मैं इधर से इधर उठा तो कैसा रहे देखो। ये मेरे हिसाब से मैं फोन आते देखो ऐसा आऊँगा तो नहीं ऐसा जाऊँ जाऊँ फूल जाऊँ अभी तो मुझे बैठने क्योंकि मैं तो थक जाता हूँ खड़ा बोल नहीं तो ये सकता हूँ क्योंकि अभी तो मैं ये देखो इतनी सी जमीन बहुत ज़्यादा नहीं इतनी इतनी सी जमीन थी तो खरा हमारे पास ये था तो बेचा अभी इतनी सी है हम भी निकट की तरह हमारे जब यूट्यूब पे रेस आएंगे तब भी हम ऐसा ही नहीं लेंगे मिस्टर इंडिया के जैसे उनके 5-7 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो आप वीडियो देखे उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी वो है ना वो 7 करोड़ के आजू बाजू की है। मिस्टर इंडियन के अभी 3 करोड़ सब्सक्राइब एलिश यादव के 2 करोड़ के आसपास है मुझे वो उनका नहीं पता। मिस्टर इंडियन ने का बहुत अच्छा वीडियो उनके वीडियो में बहुत पसंद और दूसरा भी आता है UK0 राइडर वो भी बहुत अच्छा बना है। पहले नंबर पे है मिस्टर इंडियन ने का दूसरे नंबर पे है UK0 राइडर तीसरे नंबर पे आते हैं मुझे पसंद था सौरभ जोशी चौथे नंबर पर आता है एलिश यादव और पांचवा कौन था वो मुझे भी नहीं कौन था पता है। आपने ये वीडियो में बोला था कौन था बात में आपको तो सुना ही था नहीं सुना वो मुझे भी नहीं सुना मैं भी खो गया। मैं मोबाइल का कवर पकड़ा इसके लिए इतना ही ला हमारे मोबाइल में स्लो मोशन होता है 1 सेकंड ना पड़ता है इसके लिए हमें इतना बहुत हाई क्वालिटी में वीडियो नहीं है। तो चलो अभी वीडियो का एंड आ चुका है तो अभी हम भी घर पर जाने वाला है जल्द से जल्द
4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड,